जी, मेरा नाम पंकज अवधेश शुक्ला है। मैं एक्टिंग करता हूँ एंड आई एम एन एक्टर। एंड संतोष जी के साथ पिछली फिल्म मैंने करी थी हंसा एक संयोग। एंड दूसरा अपने शादाब जी के साथ दूसरी फिल्म है कोई है यहाँ। सो आई एम प्लेइंग द लीड इन इट। एंड एक हॉरर कॉमेडी है, काफ़ी हंसाएगी और गुदगुदाएगी सिनेमा घरों में। आई एम श्योर आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कहानी के बारे में आपको क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, या अपने किरदार को लेकर क्या अच्छा लगा है, उसके बारे में कुछ देखिए, बताइए। यूजुअली भूत की जो कहानियाँ होती हैं वो उसमें ज़्यादातर थोड़ी न्यूडिटी भी थोड़ी होती है। यूजुअली दैट इज़ बीन कंसिडर्ड टू बी द बी ग्रेड सिनेमा। लेकिन यहाँ पर हमारी कोशिश है कि मतलब हमारे राइटर और डायरेक्टर सर ये कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को काफ़ी संजीदा ढंग से पेश करें और जो एक्सेप्टेबिलिटी समाज में आए कि मतलब चूंकि हॉरर फिल्म्स को इतना बड़ा स्थान अभी तक नहीं मिला है, सो वी आर ट्राइंग। सो दैट्स इट। तो नयापन क्या होगा इस हॉरर कॉमेडी या फिर हॉरर मूवी में? यूजुअली भूत आपको डराते हैं, बट लेकिन हियर आई थिंक दे विल गोइंग टू एंटरटेन यू। वो आपको हंसाएंगे, आपको एवरी पल वो आपको गुदगुदाएंगे। और यूजुअली जो एक मिथ जो बना हुआ है कि भूत हमेशा डराते हैं, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वॉट वॉट रियल घोस्ट डस। सो दैट इज लाइक। और कुछ क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर? सर के साथ मैं पहले भी एक फिल्म में कर चुका हूँ, हंसा एक संयोग, जैसे मैंने बताया संतोष जी के साथ। एंड काफ़ी अच्छा अनुभव रहा था। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर एंड काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म था। इट वॉज बीन रेटेड 8/10 में से IMDb पे। एंड तो इनके साथ काम करने का तो अलग ही मज़ा है। एक्ट्रेस एक्ट्रेस की बात करें तो कौन है इसके अंदर? इसमें मंत्रा पटेल है, तो मंत्रा पटेल है इसमें एक्ट्रेस। और मंत्रा पटेल जो है वो मेरे साथ पिछली फिल्म हंसा में भी थी। एंड उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा काम करती हैं, काफ़ी एक्टिंग, मतलब शी एंजॉयस एक्टिंग। ताज एंड मोहरत के साथ गाने का जो आपने रखा है प्रोग्राम, तो गाना किस तरह का है उसके बारे ये में? तो आपको सर डायरेक्टर सर बताएंगे। जी, ये गाना थीम सॉन्ग है जो पूरी फिल्म में चलेगा। एक आत्मा है, प्रेत आत्मा है, इसके साथ जुल्म हुआ है, तो उसके ऊपर ही सॉन्ग है। तो हंसा के साथ बहुत फेमस हुए थे और आपने अच्छी फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म कितना अलग होगी? ये भी इंशाल्लाह अच्छी होगी फिल्म। अच्छी कहानी है, हॉरर कॉमेडी है। इस तरह मतलब भूत की फिल्म में लोग डराते हैं, डराने वाली कहानी नहीं, इंटरटेनिंग कहानी है। तो एक ट्रैक है हॉरर का, उसके साथ फुल फ्लैश इंटरटेनिंग है। तो पुरानी टीम कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, इन्वॉल्व है। तो कॉन्सेप्ट क्या सोच के आपने ट्राई कर रहे हैं हॉरर को? हॉरर अक्सर क्या होता है, लोग डरते हैं, लोगों के दिमाग में एक बात होती है हॉरर फिल्म में तो भूत होगा, डराएगा, खून खराबा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो है इसमें इसमें जो है फुल फ्लैश कॉमेडी है। हॉरर का एक ट्रैक है लेकिन फुल फ्लैश कॉमेडी है। इसमें शूटिंग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? बॉम्बे में ही करने वाला हूँ, शूटिंग बॉम्बे में ही होगी। आज गाने की रिकॉर्डिंग है, तो लोकेशन पे कब से जाने वाले हैं? जनवरी एंड तक जाएंगे, नए साल में जनवरी एंड तक जाएंगे। कुछ कहानी के बारे में कुछ बताएंगे, शेयर करेंगे? नहीं, कहा कॉन्सेप्ट पंकज जी ने जिस तरह बोला, अभी पूरी कहानी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके लिए तो जो हाँ जो थिएटर में आना पड़ेगा कि हमारी जो फिल्म है इसमें जो भूत हैं वो डरने वाले नहीं हैं, डराने वाले नहीं हैं, हंसाने वाले हैं, हंसाने वाले भूत हैं वो। तो ये समझ लीजिए मोल लाइन यही है कि भूत हमारे जो है वो डराने वाले नहीं हैं, हंसाने वाले भूत हैं। ओके सर, आपने राइट की है फिल्म तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म को लिखते समय जब कॉन्सेप्ट नरेट किया शादाब साहब ने, तो ये हुआ कि कुछ नयापन आएगा इसमें, और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। और बनाने का मौका बहुत कम मिलता है, जब चीज़ें बनाई जाए तो परफेक्ट बनाई जाए तो अच्छा लगेगा। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें, ताकि लोगों को एक्सेप्ट हो कि नहीं एक अच्छा सब्जेक्ट मार्केट में आया। हर सब्जेक्ट को लेकर की फिल्म में और जो कॉन्सेप्ट होता है, जो कहानी, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपको कितना अपनी कहानी पे कॉन्फिडेंस है कि मेरा सब्जेक्ट? मैं तो 100% कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूँ और 110% देने की कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर हो। पूरी टीम साथ में है, हम अकेले दावा नहीं करते। जितने राय मिलते हैं, जितने मशवरे होते हैं, मैं एक्टरों से भी सलाह लेता हूँ, डायरेक्टर के साथ तो बैठना ही होता है। तो कोशिश ये रहेगी कि बेटर से बेटर रिजल्ट आए। एक सीन बनता है जो अटैच करता है लोगों को, तो हर सीन अटैच करे ऐसा कोशिश करें। सर गाने की बात करें तो गाना कौन कौन सिंगर गाने वाला है इसके अंदर, उसके बारे में? अभी अभी स्वामी शैलेश जी गा रही हैं, इसके बाद जो है जावेद अली साहब हैं और ममता शर्मा है। कितने गाने होंगे? 6 गाने हैं, एक थीम सॉन्ग है,
बाकी एटम सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, रोमांटिक डुएट है, अच्छे सिंगर ही रहेंगे सर। सर जी मैं सतीश गुप्ता। और जी जी नई शुरुआत है, नई फिल्म है? नई फिल्म है, फिल्म अच्छी है, आप जब देखेंगे तो तभी समझ में आ पाएगा। तो आपका किरदार भी ऐसे ही डरावना सा? नहीं, किरदार अब देखते हैं क्या किरदार है। और मैं कई सीरियल भी कर चुका हूँ अभी शादाब जी के साथ में। तो सबसे पहला सीरियल जो है इन्होंने किया था, डायरेक्ट किया था, वो कातिल कौन था, उसमें मेरे 5 रोल थे उसमें। और उसके बाद एक ढेर फिल्म की थी, टेली फिल्म थी वो। उसके बाद हासिल सीरियल था एक, वो भी किया था। बाकी स्टेज किया हमने, स्टेज आर्टिस्ट जो हैं। बाकी फिल्म जो है बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग जब देखेंगे, जब सामने आएगी। मतलब कहानी आपको बता दी गई है? नहीं, कहानी देखी अभी तो आप कैसे बता पाएंगे आपको कहानी, तो जो आप देखेंगे। किरदार बता दिया आपको, क्या प्ले करने वाले? नहीं, किरदार तो अभी नहीं पता लगा है, लेकिन जो कहानी जो है अच्छी है, बढ़िया रहेगी। जी जी बिल्कुल। आई एम डीओपी सर के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। हमारे हीरो हैं, राइटर साहब हैं, ये हमारे एक्ट्रेस हैं सारे। पिक्चर का हॉरर कॉमेडी मूवी है, इज़ गुड। तो डीओपी कुछ प्लान करता है फिल्म? 100% डीओपी पर, डीओपी एंड डायरेक्टर दोनों प्लान करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अल्सो जो सिचुएशन होता है वहाँ पे, सब्जेक्ट सुनाने के बाद मुझे बताते कि ये है, उसके हिसाब से हम लोग लाइटिंग का ए टू जेड का प्लान करके ही सब करते हैं। मैं दर्शकों को अपने बारे में, आप सब यहाँ पे आए हमें बहुत खुशी हुई है, आप सब यहाँ पे आए हम बहुत खुशी हुई है। आप सबको देख के ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हमारा जल्दी काम शुरू हो जाएगा, एंड होप कि सबको हमारा काम अच्छा लगे। फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहानी के बारे में क्या? जैसा कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, हमारी फिल्म जो है जो हॉरर कॉमेडी है, इसके अंदर कुछ प्रैंक का भी आइडिया सर ने रखा है, जो कुछ प्रैंक है, कुछ हॉरर कॉमेडी है। तो आई होप कि सबको अच्छा लगे, कुछ यूनिक चीज़ें यूज़ किया है। तो किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे? इस फिल्म के अंदर मैंने हीरोइन का कैरेक्टर किया है, जो कि कुछ भूत रहते हैं, तो उनकी मुझे मिमिक्री वगैरह समथिंग कुछ करना रहेगा। तो अपने एक्टिंग करियर के बारे में कुछ बताइए, इससे पहले आपने? इससे पहले मैंने 2 फिल्म किया है, एक सोन चिरैया है और एक हंसा एक संयोग करके फिल्म है, जो मैंने 2 फिल्म किया है, एंड थर्ड ये है कोई है यहाँ पे। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फिल्म के डायरेक्टर सर ने आपको कुछ स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताया? हाँ, सर ने हमें बताया था कि मीन्स कुछ प्रैंक है इसके अंदर, क्योंकि आजकल प्रैंक बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर जगह पे आप जाओगे, गली में जाओगे, रास्ते में जाओगे, कहीं पे भी ना प्रैंक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सर ने बताया कि कुछ प्रैंक का यूज़ किया है और कुछ कॉमेडी यूज़ किया है इसके अंदर, तो आई होप कि सबको अच्छा लगे। और आपकी कौन कौन सी फिल्में आ चुकी? एक सोन चिरैया करके फिल्म है, जो बेटी बचाओ अभियान पे हम लोगों ने किया था, और एक हंसा एक संयोग करके है, जो हमारी फिल्म थी, किन्नर बेस्ड मूवी। आपके को-स्टार के बारे में कुछ कहेंगे? ये बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रैंकी है और बहुत कॉमेडी है। और दर्शकों से क्या कहेंगे इस फिल्म को? इस फिल्म को लेके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूवी है एक न्यू कंसेप्ट के साथ है, ये हॉरर प्लस इसमें हमने कॉमेडी रखी है, और इसमें जो है मंत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं काम के लिए, और होप फॉर द बेस्ट। बस टीम के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? टीम के लिए तो जितना हमसे बन सके उतना हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, म्यूजिकल लॉन्चिंग की जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा गाना है। फैजल और अली जी ने उनको कंपोज किया है और आसिफ जी ने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे गा के बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी बहुत पसंद आएगा आई थिंक। सो फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में, गाने के लिए करियर, अपना एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस एंड आई होप कि गाना बहुत हिट होगा और सबको बहुत पसंद आएगा। बॉलीवुड की जर्नी के बारे में बताइए आप। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे फिल्म्स किए हैं और उनके साथ भी काफ़ी सारे किए हैं, फैजल अली उनके साथ, और अभी भी जारी है, कुछ रिलीजिंग पे है और कुछ रिलीज हो गया है। सो कोई ऐसा गाना आपका कि जो लोगों ने बहुत पसंद किया हो, दो लाइन बोल?
अभी तो फिलहाल तो हमारा जो लॉन्चिंग है वो चल रहा है, तो हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। सो बेसिकली इट्स हॉरर फिल्म आई थिंक, सो इस टाइप का ही धुन बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है, मेलोडियस है एंड सुपर्ब। आई होप कि इट विल बी लाइक अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड यू से आप क्या बोलेंगे? मैंने ये जो गाना किया है, ये गाना एक हॉरर फिल्म है और डॉक्टर साहब ने प्रोड्यूस किया है, आसिफ भाई ने लिखा है और स्वामी मैम ने गाया है और अली फैसल ने म्यूज़िक दिया, हम दोनों भाई ने म्यूज़िक किया है, तो काफ़ी अच्छा गाना है। और ये गाना एक्चुअली एक हफ्ते से रेडी हो रहा है और कंपोजिशन बन रही, रिजेक्ट हो रही है कंपोजिशन, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन अचानक कुछ अच्छा हो गया तो वो गाना आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या सोच के आपने कंपोजिशन करते हैं, एक हॉरर फिल्म है, उसको ध्यान में रखा था? सबसे पहले हम डायरेक्टर का जो स्क्रिप्ट है उसको सुनते हैं, उसी के हिसाब से हम कंपोजिशन बनाते हैं। तो हमने बनाया तो उसके बाद डॉक्टर साहब को सुनाया तो उनको पसंद आया, तो देन हम प्रोग्रामिंग किया तो हम दोनों भाई ने स्वामी मैम को बुला के तो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ फैसल भाई, क्या कहेंगे, आपका क्या सोच रहता है गाने के पीछे कि मेरे को ये गाना कंपोज करना है? स्क्रिप्ट के हिसाब से हम कंपोजिशन करते हैं और डायरेक्टर के साथ बैठ के और प्रोड्यूसर के साथ ही बैठ के, हम काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और काफ़ी टाइम से ट्यून बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिंगर को भी ट्यून सुना दें, सिंगर से भी पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और हर मोमेंट पे हम लोग चेंजेस करते हैं क्योंकि जब तक रिलीज़ नहीं होता है तब तक हम बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं हमारा। तो सिंगर की चूज़ आपने कैसे किया कि नहीं मेरे को यही चाहिए गाने के साथ में? सिंगर हमारी फ्रेंड है और हमें हमारे साथ कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा गाएंगे, इसलिए हमने सिंगर को ये चॉइस किया। अब बातें हमारी समझती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कह पाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। और प्रोड्यूसर का कैसा रिएक्शन रहा डायरेक्टर का आपके गाने पर? प्रोड्यूसर साहब तो बहुत मेहनत करवाते हैं और बहुत अच्छे से आउटपुट लेते हैं और एक हफ्ते से हम लोग आउटपुट के पीछे ही पड़े हैं, चीज़ें बन रही हैं, फिर कभी लिरिक्स में लगता है कि लिरिक्स और अच्छा होना चाहिए, कभी कंपोजिशन में लगता है और अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में लगता है और अच्छा होना चाहिए, सिंगिंग में काफ़ी मेहनत करी, सिंगर से गवाया, सिंगर को देखा, आवाज़ दोनों बेकार है, लिरिक्स अच्छा ना हो तो लिरिक्स कितना अच्छा है उसके बारे में? लिरिक्स में हमने आसिफ भाई से बहुत मेहनत ली, आसिफ भाई को कम से कम 4 बार लिखाया ये गाना और घड़ी घड़ी चेंजेस किए। कैसे राइटिंग करते हैं आप, कुछ राइटिंग के बारे में बताइए, लिरिक्स राइटर हैं आप तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। रात में जागते हैं? जी जी जी, रात को जागना पड़ता है, 2-2 बजे आते हैं और फिर जब चेंजेस होते हैं तो मतलब क्या कुछ फिर सर बताते हैं? अगर जैसा सदावली सर अगर उनको नहीं जम रहा है बोले चेंज करो तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। जब अली फजल ने आपसे कहा कि चेंज कर दो तो रिएक्शन कैसा था आपको? कुछ नहीं, करना है जो चीज़ अच्छी हमको बनानी है उसके लिए तो मेहनत सर करना है। कोई ऐसा आपका शेर अच्छा था कि जो आपको बहुत पसंद है? ये तो सबसे फेमस है यही जो शुरू का है, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। आपका अपना पसंद का शेर, आपका खुद का लिखा हुआ? हम यही फिल्म के बारे में बात करेंगे, है ना? है हाँ, हम इस मूवी के बारे में अभी काफी बन रहे हैं। हाँ इसका कोई अच्छा, इसमें जो सबसे बेस्ट लाइन ये हॉन्टिंग टाइप है तो इसमें शेर नहीं है, ओके थ्रिलर है तो थ्रिलर लिरिक्स है इसमें। और बाकी दर्शकों से क्या कहेंगे आप, किस तरह का गाना कंपोज करते? देखो हम दोनों भाई ने अच्छा कंपोजिशन किया है और स्वामी मैम ने भी अच्छा गाया है, हमारी टीम मेलोडी कंपोजिशन करती है और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा क्लब टाइप भी करें और क्लब में भी अच्छे अच्छे गाने करें और मैडम ने हमारा क्लब गाने भी गाए हैं और मैडम को काफ़ी इंजॉय लिया, अभी उसका शूट भी है और होप जल्दी रिलीज हो, काफ़ी अच्छा गाने। या क्या कहो, और सारी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ और सबको मतलब पूरी फिल्म के जो जितने मेंबर्स हैं सबको कंग्रेचुलेंस एंड फिल्म के रिलीजन तक मतलब ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म एंड आई होप के बहुत अच्छा सबको लगे और रिलीजिंग में सबको देखना है और सभी को गाना सुनना है, हम सबके मेहनत किए हुए काम को अप्रिशिएट करना है। थैंक यू सो मच।